सरकार वायदे तो बड़े बड़े करती है पर धरातल पर कुछ और ही होता है। नूरपुर की ग्राम पंचायत हटली जम्बाड़ा में शहीद जोगिंदर सिंह मार्ग जो कि हटली से भटवार को जाता है की स्थिति अति दयनीय बनी हुई है। जगह जगह पर पड़े गड्ढे और नालियां बंद पड़ी हैं। शहीद जोगिंदर सिंह मार्ग का शिलान्यास 11 अप्रैल 2007 को स्वर्गीय सत महाजन ने किया था और इसी मार्ग का उद्घाटन 12 जनवरी 2017 को नूरपुर के पूर्व विधायक अजय महाजन ने किया जो उसमें कांग्रेस सरकार में नूरपुर के मौजूदा विधायक है। पंचायत के पूर्व प्रधान नेत्र सिंह हटली के मौजूदा प्रधान प्रताप सिंह हटली के उप प्रधान सतवीर सिंह और गांववासी सोहन धीमान ने बताया कि इस मामले में विभाग से कई बार बात हुई है। इस मार्ग की हालत बहुत ही दयनीय बनी हुई है। देखा जाए तो सीमेंट तो बिल्कुल भी नहीं लगा है और सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं। विभाग से कई बार लोगों ने इस मार्ग को ठीक करने की गुहार लगाई है लेकिन विभाग ने केवल मात्र आश्वासन ही दिए हैं। मैंने ये सड़क का मुद्दा कई बार उठाया, विभाग को उठाया और हमारा संघर्ष रहता है कि चलो जितनी जल्दी हो जाए उतना ठीक है, लेकिन कई बार मौका कराया इनको, कई बार बोला पूरी की पूरी नालियां बंद पड़ी हैं, बाकी कई जगह पर चौड़ी नाली पड़नी है मोड़ों को, उसके उधर भी इन्होंने नहीं हमारी बात नहीं मानी, नहीं सुनी। कई बार हमने रेजुलेशन डाले, हमने ग्राम सभा के रेजुलेशन भी डाले, उसमें कोई काम नहीं किया है। तो जो कंक्रीट की डाली थी इन्होंने, स्लैब डाली थी 1 किलोमीटर, वो 2 महीने के अंदर अंदर उखड़ गई। विभाग हमें लगता है लोगों का कहना है कि विभाग ने उसमें लापरवाही है, जो लाजमी डिटेल किया था उसको बनाने के लिए तो उसमें पूरी रेशो नहीं डाली गई है, इसलिए पूरा रोड जो है उखड़ गया है। हम विभाग से दोबारा रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसको, इस स्लैब को ढुलवाया जाए। 4 बार से 5 बार से हम बोल रहे हैं लेकिन हाँ बढ़ा देंगे तो वो नहीं, जबकि ये ठेकेदार का काम है, भी किसकी रिपेयरिंग करना जो भी है ठेकेदार ने करानी चाहिए, लेकिन विभाग ने खुद करा है ना, ठेकेदार को कोई नोटिस दिया है या कोई, अगर दिया है तो विभाग बताए कि हमने ठेकेदार को कब नोटिस दिया और क्या उसके ऊपर क्या अमल किया गया है। पूरे जो घरों को रोड जाते हैं, कई लिंक रोड जाते हैं, उधर कोई स्लैब नहीं डाली गई है, इधर हम उसको बंद करते, इधर विभाग लोग जो मजदूर हैं उनको खोल के जाते हैं तो वो खुद बहुत नालियाँ बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से सारा पानी रोड पर जाता है और रोड पर जाने से पूरी सड़कों के लोग वगैरह उड़ जाते हैं। साइड की जो इनकी ड्यूटी है कि जिस घर में रोड जाता है उसमें स्लैब डालनी चाहिए ताकि रोड बंद नाली बंद ना हो, लेकिन कई बार बोलने के बावजूद भी विभाग उन लोगों को बोलते हैं कि आप सरिया दो और हम नाली बना देते हैं, हम सीमेंट देंगे और नाली बना, उसका क्या मतलब होगा? जब विभाग के पास सब कुछ कर सकता है विभाग तो क्यों नहीं किया जा रहा है? लोगों से लड़ाई झगड़ा होता है बिना मतलब से। दूसरा, इधर इस गांव में एक डिस्पेंसरी हो। मैं प्रोफेसर सोहन दीवान गांव हटली जिमाला से हूँ और ये हमारा रोड है जो 2017 में बना था, अक्टूबर 2017 में, और 1.5 साल के बाद इस रोड की ऐसी हालत है कि ये रोड कहीं से भी प्रतीत नहीं होता है, ऐसा लगता है कि ये रोड कम है और नाला ज़्यादा है। और जितना भी इसमें रोड या सीमेंट डला था, सीमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ क्रेशर है और वो सारा क्रेशर खेतों में जा रहा है जिससे खेत भी बर्बाद हो रहे हैं और रोड में सारा का सारा गंदगी जो है रोड में पड़ी है। इसके बारे में आपने कंप्लेन की किसी विभाग से? की है, PWD विभाग को कई बार बोला है लेकिन वो उसके बारे में कुछ नहीं सोचते हैं। नमस्कार, मैं सतबीर सिंह, ग्राम पंचायत उप प्रधान हटली जिमाला का स्थायी निवासी हूँ और मेरी विभाग से और सरकार से दोनों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि ये जो रोड शहीद जोगिंदर सिंह के नाम पर बना था, जहाँ से मेरे हिसाब से 500-600 मीटर जो इसका RCC डली हुई थी गांव के सेंटर में, वो बिल्कुल ही उखड़ चुकी है तकरीबन 2-2.5 साल के बीच बीच। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी उनसे कि इसका प्रॉपर तरीके, अच्छे तरीके से इसका वो हो, काम हो, ताकि लोग इसका लाभ उठा सके। वहीं जब इस बारे में लोक निर्माण विभाग के एक्सीएम दिनेश कुमार धीमान से बात की गई तो उन्होंने बताया कि कुछ दिनों से बारिश ने काफी तंग किया हुआ है, लगातार हो रही बारिश के कारण सड़क की मरम्मत नहीं की जा सकी है। उन्होंने कहा कि जल्द ही सड़क की हालत को सुधारा जाएगा। मेरा कहना है कि अभी आपने देखा ही होगा कि पिछले कुछ दिनों से
बारिश ने हमें बहुत तंग किया, थोड़े दिनों के बाद बारिश हो रही है, इससे नालियां नुड़ियां चौक हो रही है, जबकि रूटीन में खुलवाई जाती है और आगे भी खुलवाई जाएगी। यहाँ तक पैचों का सीजन रहा, जब पैचों की बात रही, मैं ये पैच बहुत जल्दी सीजन स्टार्ट हो रहा है, मैं ये बहुत जल्दी पैच वर्क स्टार्ट करवा रहा हूँ और बहुत जल्दी आप देखेंगे बढ़िया रोड द्वारा उसी हालत में आ जाएंगे जैसे पहले था, बढ़िया कंडीशन में, और नालियां भी साफ करवा दी जाएंगी अभी।